Hello everyone, welcome back to the Modern English. I'm your friend Amit Siaram, the director and founder of मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट भोपाल. अब अंग्रेजी बोलना आसान है दोस्तों. स्पोकन इंग्लिश के एक और वीडियो में मैं सीराम आपका दिल से स्वागत करता हूँ. आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल. अब बोले सर आर्टिकल तो हमें पता है दोस्तों. आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ आर्टिकल के बारे में जो आपसे कभी नहीं पता चली होंगी आपको. चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल होता क्या है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल कुछ नहीं होता है. आर्टिकल एक एडजेक्टिव है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, राइट. सो आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले यूज होता है. फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अब क्या होता है, आर्टिकल होते हैं बेसिकली दो प्रकार के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल कितने होते हैं गाइस? दो होते हैं. एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं अ और एन, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल जो होता है केवल और केवल द. सबसे पहले तो मैं स्पोकन इंग्लिश का वीडियो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका सही प्रोनंसिएशन क्या है. गाइस इसका जो सही प्रोनंसिएशन है वो है अ. मेरे साथ बोलिएगा अ, नॉट ए, इट इज अ. कम ऑन, 99% केस में आप इसे पढ़ेंगे अ. कम ऑन, क्या पढ़ेंगे? अ. और इसे पढ़ा जाता है गाइस अन. कम ऑन, क्या पढ़ा जाते से? अन. 99% केस में अपन इसको क्या पढ़ेंगे? अन पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा. इसे क्या पढ़ेंगे? अन. इसको पढ़ेंगे अ और इसको पढ़ेंगे अन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमने कहा इट इज अन एप्पल, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एन एप्पल, इट इज अन एप्पल. कम ऑन, इट इज अन एप्पल. या हम बोल सकते हैं देयर इज अ चेयर, एक चेयर है तो अपन क्या बोलेंगे? देयर इज अ चेयर, नॉट देयर इज ए चेयर. तो मैंने बताया 99% केस में हम लोग इसे जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं इसे? हम लोग इसे पढ़ेंगे आ और इसे पढ़ेंगे अन. तो आप सोच रहे हो सर 1% केस में से क्या पढ़ेंगे? 1% केस में हम इसे पढ़ेंगे ए, 1% केस में. और 1% केस में हम इसे पढ़ेंगे एन. तो वो 1% केस कब है? जब हम इसको एन पढ़ेंगे ए, जब हमें किसी बात पे जोर देना पड़ जाए तब हम बोलते हैं आ, जब हम बोलते हैं ए. दिस इज ए पेन, राइट. जब आपको जोर देना पड़ जाए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे कि मान चलिए एक बंदा एग्जाम देने जा रहा है और एग्जाम देते समय लोग कम से कम दो पेन लेके जाते हैं, यस और नो? अगर एक ना चले तो दूसरा यूज करेंगे, लेकिन बंदे के पास एक ही पेन. अब वो जोर देके क्या बोल रहा है? आई हैव ए पेन, एक ही पेन है मेरे पास, राइट. तो जब आप किसी बात पर जोर देना पड़ जाए तो अपन ए यूज करेंगे. और जैसे कि जो सबके पास 10-10 एप्पल है और आपके पास एक ही एप्पल, तो आप बोल सकते हैं आई हैव एन एप्पल, राइट. तो जब आप किसी बात पर जोर देना पड़ जाए तो हम इसे एन बोलेंगे और इसे ए बोलेंगे. लेकिन जब आपको जोर नहीं देना है तब हम लोग क्या यूज करेंगे? तब हम इसे आ पढ़ेंगे और इसे अन पढ़ेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अन एप्पल. और ये क्या हो जाएगा? देयर इज अ चेयर, यस नो? देयर इज अ चेयर. देयर इज अ पेन. देयर इज अ क्लास, यस नो? तो बेसिकली सबसे पहले तो इनका हमें क्या समझना है? प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण. दूसरा हम लोग देखते हैं इसे दा पढ़ें, द पढ़ें या दी पढ़ें, है ना डाउट? तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले द कहाँ आता है और दी कहाँ आता है. इसको दोनों पढ़ा जाता है, द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है. लेकिन कब? ध्यान दीजिएगा, जब आ जाता है वॉवल साउंड. क्या कहा जा रहा है गाइस? वॉवल साउंड. वॉवल नहीं कहा है कि ए ई आई ओ यू, जो अपने बचपन में टीचर पढ़ाते थे कि ए ई आई ओ यू से पहले क्या आता है? एन आता है और बाकी सबसे पहले कॉन्सोनेंट पहले ए आता है. नो, मैं क्या, वॉवल साउंड. वॉवल साउंड से पहले अगर कभी आएगा तो क्या आ जाएगा? डी आएगा. कम ऑन, क्या जाएगा गाइस? डी आएगा. एलिफेंट को अपन क्या बोलेंगे? डी एलिफेंट. कम ऑन, क्या बोलेंगे? डी एलिफेंट. कभी बोलना पड़ जाए एप्पल से पहले तो हम बोलेंगे डी एप्पल. कम ऑन, क्या बोलेंगे गाइस? डी एप्पल. तो जब वॉवल साउंड आएगा तो हम डी पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे उसको द. कम ऑन, क्या पढ़ेंगे? द हिमालय. कम ऑन, द हिमालय, द गंगा. ये तो आपको पता ही होगा कि बड़ी 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 नदियों के सामने, नाम के सामने, वंडर्स के सामने, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? द. ये तो आपने काफी रूल्स पढ़ लिए होंगे, बट जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको शायद ही कहीं पता हो, यस नो? तो हम इसे क्या पढ़ेंगे गाइस? डी कब पढ़ेंगे? जब वॉवल साउंड आएगा. और द कब पढ़ेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग पढ़ने वाले से द. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. अब
ये स्पोकन इंग्लिश का वीडियो है, एकदम बेसिक वीडियो है, तो इसमें मैं आपको केवल स्पोकन से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। आर्टिकल का पार्ट टू भी आएगा जिसमें मैं आपको एडवांस रिव्यूज बताऊंगा जो कि यूजफुल होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम पढ़ रहे हैं स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए गाइस, तो इसे क्या पढ़ेंगे, अ, इसे पढ़ेंगे अन, ए कब पढ़ेंगे जब जोर देना पड़ जाए, और एन कब पढ़ेंगे तब जोर देना पड़ जाए, बी कब पढ़ेंगे जब वोवल साउंड आएगा, द कब पढ़ेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। कुछ मैं एग्जांपल देख लेता हूं। जैसे हमने कहा देयर इज डैश 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 कैट, ए आएगा या एन आएगा, आप ऑब्वियसली बोल देंगे सर यहां पर ए आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट सी कॉन्सोनेंट है, तो आपने कहा ए। अगर मैं आपसे कहूं देयर इज डैश डैश यूनियन, क्या लिखा देयर इज डैश डैश यूनियन, तो आप कहेंगे सर यहां पर एन आएगा। कम ऑन, क्या कहेंगे गाइस, एन आएगा। क्यों आएगा एन, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, वॉवेल आ गया। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा, आ आएगा। क्यों आएगा आ, साउंड देखिएगा, साउंड क्या हो रहा है, यू। मेरा आपसे क्वेश्चन, जो यू साउंड है हिंदी में जरा देखिएगा, यू साउंड वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसलिए हम यहाँ यू नहीं लगा सकेंगे, यू, इसलिए हम यहाँ पे क्या क्या नहीं लगा सकते, एन नहीं लगा सकते, हम लोग लगाएंगे आ, राइट। यूनिवर्सिटी देखने में यू लग रहा है, लेकिन आएगा क्या, आएगा वहां पर आ यूनिवर्सिटी आएगा। कम ऑन, क्या जाएगा, आ यूनिवर्सिटी आएगा। तो हमें कॉन्सोनेंट पर नहीं जाना, ध्यान रखिएगा, वॉवेल पर नहीं जाना, वॉवेल साउंड पर जाना। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखता हूं कि हमने कहा आई सॉ डैश डैश एम एल ए, क्या लिखा है, आई सॉ एम एल ए, एम एल ए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधायक होते हैं, इन लोगों को इंग्लिश में कहा जाता है एम एल ए। तो हमने कहा आई सॉ डैश डैश एम एल ए, मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा। अब आप में से कुछ लोगों का मानना हो सकता है सर यहाँ पे ए आएगा, क्यों, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट है। गाइस मैं फिर से बता दूं, एम कॉन्सोनेंट है ठीक है, लेकिन साउंड कौन सा ले रहा है, ए ले रहा है ना, तो ए साउंड क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल से पहले, वॉवेल साउंड से पहले क्या आएगा, या तो डी आएगा या क्या आएगा, एन आएगा। तो ये वॉवेल साउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा गाइस, एन आएगा। एन कहां पर आएगा, जहां वॉवेल साउंड होगा वहां पे क्या आएगा, एन आएगा, राइट। और जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कम ऑन, साउंड कैसा होगा, कॉन्सोनेंट अगर साउंड होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या आ लगाएंगे। Are you getting the point? ये तो खैर आपको बचपन से पता होगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और वॉवेल साउंड से पहले एन लगाते हैं, यस और नो। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि सर आप इंग्लिश स्पोकन की टीचर हैं, आप मुझे एक बात बताएं, क्या बताएं कि वॉवेल से पहले अन का क्यों आता है, कॉन्सोनेंट से पहले ए क्यों आता है। हो सकता है आप में से किसी के क्वेश्चन हो, तो वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि वॉवेल से पहले एन क्यों आता है। देखो दोस्तों, अगर हमने कहा There is an apple, क्या है, There is an apple, तो ये क्या हो गया, ये हो गया an, और ये क्या हो गया, apple। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको कितना भी बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, an apple, क्या हो जाएगा, an apple। An plus apple is equal to क्या हो जाएगा, an apple, कहने का मतलब ना भी रहेगा और ए भी रहेगा, यस और नो, और आराम से समझ में आ जाएगा कि एप्पल के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर वॉवेल साउंड से पहले ए आता, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यहाँ ए आ जाता, तो क्या हो जाता, देयर इज अ एप्पल, क्या हो जा रहा है, There is a apple, तो क्या हो जाता, अगर इसको 10-15 बार बोलेंगे तो क्या हो, there is a apple, 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 और ultimately आ जो है वो गायब ही हो जाता, और क्या हो जाता, there is apple, कितने apple हैं पता नहीं, yes no, तो इसीलिए consonant sound से पहले a लगता है, क्योंकि a consonant के साथ मिल जाता है, right, नहीं मिल पाता अच्छे से, और जो दो वॉवल तो आप आसानी से मिल जाते हैं, राइट, तो इसलिए क्या होता है, वॉवल साउंड से पहले क्या आता है गाइस, वॉवल साउंड से पहले क्या आता है, एन आता है, यस नो, ताकि एक फ्रिक्शन बना रहे, एकदम चिपक ना जाए वर्ड, यस नो, इसलिए ऐसा किया जाता है। दूसरी बात, ए और एन की अगर मैं बात करूं तो काउंटेबल से पहले लगेगा, ध्यान रखिएगा, ए और एन, जो ए और एन है इनके बारे में पहला रूल क्या है, सबसे पहली बात है इनका हमेशा काउंटेबल से पहले लगेगा,
काउंटेबल समझते हैं गाइस, जिन चीजों को आप गिन सकते हैं, कम ऑन, जिन चीजों को आप गिन सकते हैं उनसे पहले हम ए या एन का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे हमने कहा ये पेन है, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? This is a pen. Yes, no. तो जिन चीजें गिन सकते हैं उनसे पहले ए और एन का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल की अगर बात करें, अगर आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा तो हम लगा सकते हैं क्या? द। Yes or no? I hope आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये जो वीडियो था ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए मैं किसी दिन आर्टिकल अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, बट डीप में, तो आपको ये आर्टिकल बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी कोई आर्टिकल से रिलेटेड डाउट है स्पोकन के लिए, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इस देश को एम्पावर भी साथ में करना चाहते हैं तो आप एक शेयर कर सकते हैं। एक शेयर में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बाकी कुछ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके, राइट? क्योंकि एजुकेशन का दान, शिक्षा का दान अपने आप में बहुत बड़ा दान है। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद इसी तरह। कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, और हाँ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस नो, बाकी बातें ब्रेक के बाद। बाय बाय।